दोस्तों ये है प्रेशर कुकर का महाराजा। जय हो। क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रेशर कुकर नहीं है, इलेक्ट्रिक राइस कुकर भी नहीं है, बल्कि ये है एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जिसमें आप 100 से भी ज्यादा रेसिपी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्मार्ट प्रेशर कुकर है। और स्मार्ट इसीलिए क्योंकि इसको पता चल जाता है कि अगर आप इसमें राइस बना रहे हैं तो राइस पकने में कितना टाइम लगता है, दाल बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, या फिर आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं, इसको पता चल जाता है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और बढ़िया सा खाना इससे निकल के आता है। और इसमें डिजिटल कुकिंग होता है क्योंकि इसमें प्रोग्रामेबल इंटेलिजेंट कुकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मतलब आजकल कुकिंग पे भी टेक्नोलॉजी आ गया है। और ये सिर्फ एक प्रेशर कुकर ही नहीं है, इसमें आप स्टीमिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं और फ्राइंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आजकल का जमाना पूरा स्मार्ट हो गया है, तो प्रेशर कुकर पीछे क्यों रहे? तो इसीलिए आजकल के प्रेशर कुकर भी स्मार्ट ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे कि ये रहा, यह है गिग रोबोकुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, और इसके नाम पे ही रोबो दिया हुआ है, मतलब रोबोट से कम नहीं है। तो दोस्तों आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, ये किचन का एक बहुत ही यूजफुल आइटम है। ये आपका किचन वर्क इजियर और फास्टर बनाता है, और साथ ही ये आपके किचन का जगह को भी बचाता है, क्योंकि ये 2-in-1 नहीं बल्कि 11-in-1 कुकर है। ये आपके किचन पे होना ही चाहिए। ये वर्किंग वोमेन के लिए, साथ ही बैचलर्स के लिए और जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ही काम का है। लेकिन अगर आपको रेसिपी बनाना नहीं आता है तब भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको मिलेगा एक रेसिपी बुक। जी हाँ, देखिए ये कितना मोटा सा एक रेसिपी बुक है जिसमें बहुत सारे रेसिपीज है। और इस तरह का जो रेसिपी बुक है वो अगर आप खरीदने जाएंगे तो 500 से 1000 रुपया पड़ ही जाएगा, लेकिन ये आपको फ्री मिल रहा है। और ये जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है इसका दाम है 5699 रुपीज। और अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये कंपनी के वेबसाइट से लेंगे और कूपन कोड RCMAR300 का यूज करेंगे तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये रहा आउटर बॉक्स, ऊपर में लिखा हुआ है कंपनी का नाम गिग, और नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर रोबोकुक जेटा। तो चलिए अब फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अंदर पे और एक बॉक्स है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। तो ये है एक पंपलेट जहाँ पे वारंटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 2 साल की वारंटी मिलेगा, 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी और 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी पाने के लिए आपको उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें इसके एक्सेसरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिनको लगा के इस कुकर में आप रोस्टिंग और ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। वाओ, तो इसको बाद में ठीक से देखेंगे, पहले बॉक्स को निकाल लेते हैं। उसके लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल गया, लेकिन उल्टा निकला, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बॉक्स है, इससे ही पता चलता है कि कंपनी कैसा है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है गिग रोबोकुक जेटा स्मार्ट किचन असिस्टेंट, और ये प्रोग्रामेबल भी है, इंटेलिजेंट कुकिंग होता है। तो चलिए इस बॉक्स को भी खोलते हैं। देखिए ये सील्ड है। तो ये हो गया यूजर मैनुअल, उसके बाद एक रेसिपी बुक भी मिला है। वाओ, देखिए और कितना बड़ा है। उसके बाद तो ये रहा प्रोडक्ट, चलिए इसको निकालते हैं। वाओ, फिनिशिंग देखिए इसका। वाओ, यहाँ पे स्क्रीन भी है। वाओ, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज रिमूव इट बिफोर फर्स्ट यूज, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया लीड, इसमें बल्ब वगैरह है, प्रेशर रिलीज बटन है, मैं बाद में दिखाऊंगा। अंदर पे और भी एक्सेसरीज है। ये हो गया पावर कोड, पावर कोड। ये हो गया सिलिकॉन का पॉट होल्डर, उसके अलावा एक मेजरिंग कप और एक स्पेचुला भी मिला है। उसके बाद ये हो गया इनर कुकिंग पॉट, इसी में ही सब कुछ कुकिंग होता है। ये 5 लीटर का है और नॉन स्टिक है, जो नॉर्मल राइस कुकर होता है उसमें एल्यूमिनियम का आता है। और यहाँ पे कुकर के अंदर ये रहा हीटिंग एलिमेंट। तो अभी फिर से इसके अंदर इनर कुकिंग पॉट को डाल देते हैं और लीड को बंद कर देते हैं। और लीड को बंद करना और खोलना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज और ओपन का आइकॉन दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल है इसको यहाँ पे रख के घुमाना है और लॉक हो गया। और खोलना भी एकदम आसान है, एक हाथ से खोल सकते हैं। तो अभी इसमें जो पावर कोड दिया था उसको लगाएंगे।
तो जो पावर कॉर्ड है काफ़ी लंबा है, 1.5 मीटर का होगा। तो चलिए पीछे डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको निकालना पड़ेगा। प्लीज़ रिमूव बिफोर फर्स्ट यूज़। तो मैंने निकाल दिया है और अभी यहाँ पे पावर कॉर्ड को लगाएंगे। तो पावर कॉर्ड लग चुका है, तो अभी आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो बटन्स है वो क्या क्या काम करता है। जैसे कि इसके प्लग को सॉकेट पे लगाते ही यहाँ पे एक रेड लाइट जलेगा, उसके बाद इसको ऑन करना है इसको दबा के। उसके नीचे का बटन है कीप वार्म का, तो ये जो बटन है ये खाना बनने के बाद काम करता है। मतलब जब खाना रेडी हो जाएगा तब इसमें से एक अलार्म बजेगा और उसके बाद इसके अंदर जो खाना होगा उसको ये गर्म करके रखेगा कई घंटों तक। और अगर आपको जल्दी खाना है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके नीचे वाला है टाइमर है, यहाँ पे आप खुद टाइमर सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे देखिए राइस बनाने का, दाल चना बनाने का, सांबर ग्रेवी बनाने का, पोंगल, खिचड़ी, इडली, वो सब बनाने का भी प्रीसेट्स दिया हुआ है। सिर्फ इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स डालना है और इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। और कुकिंग को स्टार्ट करने के लिए ये वाला बटन है जो है सोटे का बटन। उसके ऊपर ये मैनुअल है, इसको दबा के आप नॉन वेज भी बना सकते हैं, जैसे कि फिश, चिकन, मीट, पुलाव, बिरयानी, वाओ सब कुछ बन सकता है। तो इस बटन से ये सब कंट्रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट का भी बटन है, वाओ। तो इस टेस्ट बटन को प्लस माइनस करके आप क्विक, मीडियम नहीं तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पा सकते हैं, वाओ डिलीशियस। और एकदम ऊपर यहाँ पे एक स्क्रीन है, वहाँ पे आपको टाइमर वगैरह दिखाएगा। तो एकदम आसान है, कोई भी बना सकता है। तो ये हो गया बटन्स। उसके बाद चलिए देखते हैं लीड को। तो ऊपर में ये जो लीड है यहाँ पे एक बटन है, देखिए ये वाला हो गया प्रेशर रिलीज बटन। इसको आगे करने से ये वाला जो वाल्व है वो ऊपर आता है, तो जो प्रेशर है अंदर पे वो निकल जाता है। और जब आप इसमें कुकिंग करेंगे तब प्रेशर को ऐसे लॉक कर सकते हैं, तो अंदर पे प्रेशर बनेगा। और इस लीड में एक्स्ट्रा वाल्व भी है, जब ढक्कन को आप खोलते हैं तब देखिए ये कैसे काम करता है। इसमें 7 एडिशनल सेफ्टी गार्ड्स है जो इसे कम्प्लीटली सेफ और सिक्योर बनाता है। BIS द्वारा भी ये कुकर सर्टिफाइड है। और बैक साइड में यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कंटेनर है, इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए ये छोटा सा कंटेनर है, इसमें जो एक्स्ट्रा कभी कभी जो पानी निकल के आता है बाहर से वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, मतलब नीचे नहीं गिरेगा। तो इसको लगा देते हैं फिर से, तो लग गया है। और इस प्रेशर कुकर को आपको ऐसे नहीं उठाना है, आपको उठाना है इसके दोनों तरफ जो हैंडल दिया हुआ है उसको पकड़ के। तो इसका जो लीड है उसके बारे में और भी बताना है, चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा लीड का नीचे का हिस्सा, यहाँ पे ये जो प्लेट है इसको आप निकाल सकते हैं, सिर्फ पुल करना है। तो देखिए निकल आता है। तो इसके चारों ओर जो रबर का जो सील है वो निकल आता है ऐसे, देखिए रबर का सील निकल आता है। तो अभी इन दोनों को आप धो सकते हैं, धोने के बाद लगा लीजिए और उसके बाद लीड में पुश करके आप डाल सकते हैं। देखिए डाल दिया है, तो अभी इसको लॉक कर देते हैं। तो ये एक कमाल का कुकर है, तो अभी इसमें हम कुछ रेसिपी बना के दिखाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, काम का लगा, तो अभी इसको ऑर्डर कीजिए। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।